नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपको अगला पाठ लेकर के आऊंगा, तो आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं, आज उस पाठ का नाम ही है शास्त्र। ध्यान रखिएगा, शास्त्रकारः, ध्यान रखिएगा। आज हम शास्त्रों पर चर्चा करने वाले हैं, जो हमारा पाठ है चतुर्दश पाठ अनुवाद भाग एक। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा है कक्षा दसवीं बिहार बोर्ड, तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल भी देरी मत करिएगा, क्योंकि नीचे आपके जो इस आप वीडियो देख रहे हैं उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, और उस पर जाएं और यहां से ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से जो भी आपको नोट्स यहां पर संपूर्ण जानकारी मिलेगी, तो आप यहां से नोट्स जरूर ले लें, क्योंकि परीक्षा के लिए नोट्स लेना बहुत जरूरी है। और जब आपके पास नोट्स हो जाएंगे, फिर उसके साथ आप क्लास को यहां से ज्वाइन करेंगे, तो आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं तो नोट्स तो आप लोगों को लेने ही पड़ेंगे। क्योंकि जब देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जब हम क्लास में पढ़ते हैं और क्लास के समय पर हमको भूल जाती हैं या छूट जाती हैं, वो सारी चीजें हमें नोट्स में मिल जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, संपूर्ण कोर्स के साथ यहां पर आपको नोट्स प्राप्त करवाए जाएंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल भी देर नहीं करना है। चले आगे, देखिए आज हम जो क्लास पढ़ रहे हैं, आप शास्त्रों का ज्ञान पढ़ रहे हैं, कम से कम इसी बहाने से हम शास्त्रों का ज्ञान ले लेते हैं। देखिए, आपके सिलेबस में जुड़ा हुआ है, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जीवन में इतना हमारा संघर्ष है कि हम पढ़ते जाते हैं और हम शास्त्रों की ओर तो नजर ही नहीं घुमा पाते हैं। लेकिन जब हमारी क्लास में, हमारे सब्जेक्ट में ये सिलेबस के साथ जुड़ जाता है, तो हम लोगों का पढ़ना क्या है, एक निमित्त बन जाता है कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखिएगा, इससे हम लोगों का जीवन बहुत ऊपर जाने वाला, क्योंकि जब सिलेबस में ये सारी चीजें ऐड हो जाती हैं, मतलब हमें संपूर्ण क्षेत्र की जानकारी मिलने वाली। उसी प्रकार से आज हम शास्त्रकारः नामक पाठ के इस पाठ परिचय को पढ़ने वाले। ध्यान रखिएगा, पाठ का परिचय आपके समक्ष है, और पाठ के परिचय में क्या बताया गया है, ध्यान से पढ़िएगा। यह पाठ नवनिर्मित संवादात्मक है, नवनिर्मित संवादात्मक है, जिसमें प्राचीन भारतीय शास्त्रों तथा उनके प्रमुख रचयिताओं का परिचय दिया गया है। इससे भारतीय सांस्कृतिक निधि के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होगी, और यही इस पाठ का उद्देश्य है। इस पाठ का विशेष रूप से उद्देश्य यह है कि भारतीय संस्कृति की निधि के प्रति आपकी जिज्ञासा जागे, कि हमारी भारतीय संस्कृति का एक मूल्य धन क्या है, मूल स्रोत क्या है, कहां से ये संस्कृति आई है। आज हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, आज अपने बड़े भाई का सम्मान करते हैं, हम अपनी बहनों का सम्मान करते हैं, तो ये संस्कृति आई कहां से है। तो इसी संस्कृति के लिए, इस निधि के लिए, भारतीय संस्कृति निधि के प्रति हमारी जिज्ञासा और प्रबल हो जाए, इसीलिए इस पाठ को रखा गया है। इस पाठ का यही उद्देश्य है। चलिए अब पाठ के हम सार पर चलते हैं कि इस पाठ में मिलने क्या वाला है, इस पाठ से हमें सीख क्या मिलेगी, वो पाठ के सार में हमको मिल जाती है। ध्यान रखें, इसमें लिखा हुआ है भारते वर्षे शास्त्राणां महती परंपरा श्रूयते, शास्त्राणि प्रमाणभूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोतः स्वरूपाणि सन्ति। अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणां निर्देशपूर्वकं तत्प्रवर्तकानां च निरूपणं विद्यते। मनोरंजनाय पाठे अस्मिन् प्रश्नोत्तरी शैली आसादिता वर्तते। शिक्षकः कक्षायां प्रविशति, छात्राः सादरं उत्थाय तस्याभिवादनं कुर्वन्ति। ध्यान रखें, ये केवल मैंने इसका पाठ किया है और पढ़ लिया है, और पढ़ने से मैं आपको बार बार यही कहता हूं, प्रत्येक पाठ में ये कहता हूं कि पहले हमें पूरे पाठ को, एक एक पैराग्राफ को पढ़ते जाना है, फिर उस पर चर्चा करते जाना, जिससे क्या होता है कि जो छोटी छोटी कमियां हमारी होती हैं वो दूर हो जाती। ध्यान रखना, अब यहां पर उन्होंने कहा भारतीय वर्ष, मतलब भारतवर्ष में, संपूर्ण भारत की बात कर रहे हैं, संपूर्ण भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, कि शास्त्राणाम शास्त्रों की, महती माने बहुत, और परंपरा माने परंपरा, श्रूयते माने सुनी, मतलब भारतवर्ष में हम लोगों ने शास्त्रों की बहुत बड़ी परंपरा को सुना। कहा जाता है कि पूरा ब्रह्मांड शास्त्रों पर टिका, ऐसी हम परंपरा सुनते आए हैं। ठीक है, हम आप तो आज के हैं, आपसे 10 साल पहले हम लोग आए, ठीक, और आप 10 साल बाद आए, लेकिन हम लोगों से पहले 20 साल 30 साल पहले हमारे माता पिता आए, तो हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं देखा, हम लोग तो किसी के द्वारा निर्देशित किए हुए शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। लेकिन ये परंपरा बहुत प्राचीन है,
बहुत पहले से ऐसा कहते हैं कि जब ब्रह्मांड का सृजन हुआ, जब पृथ्वी का सृजन हुआ, तब ही शास्त्र थे। ये हम भी लिखा हुआ मानते हैं, पढ़ते हैं, तो आज आपको बता रहे हैं। लेकिन इसमें आज भी हमारा क्या है, शोध चल रहा। शोध का मतलब जानते हैं, आज भी इन सारी चीजों पर क्या है, चर्चाएं होती हैं कि वास्तविकता में ये है कि नहीं है। और होते नहीं तो आज ये हमको पढ़ाए नहीं जाते। ईश्वर तो है और ईश्वर के द्वारा इन वेदों को दिया गया है, जो हम लोग आज इस परंपरा के आधार पर निभा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा कर्म प्रधान है, कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई कार्य प्रधान है। उचित और अनुचित का हमें ज्ञान कराने वाला कोई तो था जो आज हमें देकर के गया, आज सही गलत का भेद हमें सिखा करके गया, जो आज हम इस चीज को क्या है निभा रहे हैं और आज भी वो देख रहा है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भारत वर्ष में शास्त्राणाम माने शास्त्रों की, महती माने बहुत बड़ी, परंपरा माने परंपरा, श्रूयते माने सुनते हैं, शास्त्राणी प्रमाण भूतानी, शास्त्रों में ये प्रमाण है कि समस्त ज्ञानस्य स्रोता, समस्त ज्ञान का स्रोत, स्रोत जो उद्भव, जो समस्त ज्ञान का स्रोत है वो क्या है, स्वरूपाणि संति, स्वयं उनका अपना रूप है। अस्मिन पाठे, इस पाठ में प्रमुख शास्त्राणाम निर्देश पूर्वकम तत्प्रवर्तका नाम च निरूपणम विद्यते, और इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों के निर्देश पूर्वक, प्रमुख शास्त्रों के निर्देश के अनुसार तत्प्रवर्तका नाम, उनके प्रवर्तक जो जिन्होंने वो शास्त्र बनाए हैं, उन शास्त्रों के प्रवर्तक निरूपणम विद्यते, उनके बारे में यहां बताया गया है। मनोरंजनाय, और मनोरंजन के लिए, पाठे अस्मिन, पाठ में प्रश्नोत्तर शैली, प्रश्नोत्तर के द्वारा इस पाठ में प्रश्नोत्तर, एक सवाल, एक प्रश्न पूछेगा, दूसरा जवाब देगा, दूसरा सवाल पूछेगा, तीसरा जवाब देगा, प्रश्नोत्तर शैली पर आसादिता वर्तते, मतलब ये आधारित हमारा पाठ है। तो मनोरंजन के लिए आनंद भी आएगा, आप प्रश्न पूछेंगे उसके जवाब भी दिए जाएंगे। शिक्षक, अब देखें शिक्षक क्या करते, शिक्षक कक्षायाम माने कक्षा में, प्रविशति माने प्रवेश करता है, छात्रा माने और छात्र, सादरम उत्थाय, आदर के साथ क्या होते हैं, खड़े होते हैं, तस्य अभिवादनम, और उनका अभिवादन कुर्वन्ति माने करते हैं। अब शिक्षक हैं, शिक्षक कक्षा में आते हैं और आदर के साथ छात्र क्या है, उनका सम्मान करते हैं। अब यहां से मैं आप लोगों को इस पर चर्चा बताऊं, ये तो सार है कि इसमें शास्त्रों के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले देखें भारतीय वर्ष, इसमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। क्या लगा है इसमें, सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है, जैसे रामे वैसे वर्षे, जैसे रामे वैसे भारते। शास्त्राणाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा है, शास्त्राणाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा है, जैसे रामाणाम वैसे ही शास्त्राणाम। महती, महती माने महान या बहुत बड़ी, परंपरा माने परंपरा, एक हमारी क्या है नियमबद्ध परंपरा, श्रूयते श्रूयते श्रूयन्ते, कर्मवाच की क्रिया लगी हुई है सुनने के अर्थ में। शास्त्राणी शास्त्रम शास्त्रे शास्त्राणी, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। शास्त्रम शास्त्रे शास्त्राणी प्रमाण भूतानि, प्रमाण भूतानि, तो यहां पर भी हमारा प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत पद लगा, शास्त्रम प्रमाण भूतानि, समस्त ज्ञानस्य, ज्ञानस्य में जैसे रामस्य वैसे ही ज्ञानस्य, तो यहां पर भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लग गया है। अब यहां पर देखें ये प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, स्रोत है। अब यहां पर देखें स्वरूपाणी, स्वरूपाणी अपने स्वयं के रूप को, संति माने हैं, तो यहां भी प्रथमा का बहुवचन रूप लगा है, रूपम रूपे रूपाणी। अस्ति स्तः संति, ये भी बहुवचनांत पद है, अस्ति हमारा एक वचन का है, स्तः हमारा द्वि वचन का है, और संति हमारा बहुवचन का रूप है। अस्मिन पाठे, सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, प्रमुख शास्त्राणाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है, जैसे रामाणाम वैसे ही प्रमुख शास्त्राणाम, निर्देश पूर्वकम निर्देश पूर्वक, तत्प्रवर्तका नाम प्रवर्तका नाम, तो यहां पर भी आपका देखिए तत् प्रवर्तका नाम, तत्प्रवर्तका नाम दिया हुआ है प्लस चा, तो यहां पर भाई मां का इया हो गया है, मतलब ये भी हमारा षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है, तत्प्रवर्तका नाम, तो यहां अनुनासिक संधि भी हो गई है। निरूपणम माने निरूपण, विद्यते विद्यते विद्यन्ते, तो विद्यते माने यहां पर वर्णन किया गया है,
वर्णन है मनोरंजनाय रामाय मनोरंजनाय सज्जनाय चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप लगा। पाठ्यस्मिन दिया हुआ है तो यहां पर आपकी पूर्व रूप संधि हो गई है। देखें ठा में ए की मात्रा लगी हुई है तो पहले पद में ए या ओ हो उसके बाद छोटा आ हो तो यहां पर क्या हो जाता है आ का अवग्रह खंडाकार रूप में आ जाता है और यह हमारा बन जाएगा पाठ्यस्मिन। पाठ्यस्मिन बन गया तो ये आपकी पूर्व रूप संधि हो गई। प्रश्नोत्तर शैली प्रश्न प्लस उत्तर बराबर प्रश्नोत्तर तो यहां गुण संधि हो गई है। प्रश्न प्लस उत्तर यहां से आ ले लिया और यहां से ऊ ले लिया दोनों को मिलाया आ के बाद ऊ आने पर ओ बन जाएगा तो ओ की मात्रा यहां लग जाएगी तो प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर बन जाएगा प्रश्नोत्तर शैली प्रश्नोत्तर शैली गुण संधि। आशादिता 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 वर्तते वर्तेते वर्तन्ते शिक्षिका में प्रथमा विभक्ति का एक कक्षायाम में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा। ठीक है तो यहां इसमें जैसे रामा वैसे ही शिक्षिका और कक्षा के रूप जैसे रमा के रूप चलेंगे वैसे ही कक्षा के रूप चलेंगे। रमा रमाम रमया रमाये रमायाह रमायाह रमायाम कक्षा कक्षाम कक्षाया कक्षाये कक्षायाह कक्षायाह कक्षायाम सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। प्रविशति प्रविशतः प्रविशन्ति उपसर्ग पूर्वक विष धातु से तिप प्रत्यय लगा करके यहां लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बना है प्रविशति। फिर छात्रा में प्रथमा विभक्ति का बहुवचना जैसे छात्रा छात्रौ छात्रा रामः रामौ रामाः तो ये हमारा छात्रा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन एक छात्र नहीं मतलब बहुत सारे छात्र हैं यहां। सादरम उत्थाय सादर उठ करके उत्थाय में यहां पर देखिए स्था धातु लगी हुई है और ल्यप प्रत्यय लगा है मतलब उठ करके का अर्थ निकलेगा सादरम आदर के साथ सा आदरम बराबर आदर के साथ। तस्य अभिवादनम तस्याभिवादनम तो दीर्घ संधि हो जाएगी यहां तस्य प्लस अभिवादनम तस्याभिवादनम तस्य प्लस अभिवादनम बराबर तस्याभिवादनम तो यहां पर आपका आ हो जाएगा और यहां पर आपका आ हो जाएगा दोनों मिलेंगे दीर्घ संधि हो जाएगी बड़ा आ की मात्रा इसमें लग जाएगी आ यहां से चला गया विवादनम इसमें जुड़ जाएगा भी बाधनम तस्या भी बाधनम बन गया कि नहीं यहां आपकी दीर्घ संधि हो गई। और कुर्वती कुर्वतः कुर्वन्ति देखें करोति कुर्तः कुर्वन्ति ये बहुवचनांत पद लगा। आगे देखें इसका भावार्थ देख लीजिए इसमें उन्होंने क्या कहा अनुवाद अनुवाद हिंदी में रहेगा। भारत वर्ष में शास्त्रों की बहुत बड़ी परंपरा सुनी जाती है शास्त्र प्रमाण स्वरूप समस्त ज्ञान का स्रोत माना गया है। इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों का निर्देश पूर्वक उनके प्रवर्तकों का निरूपण है और इस पाठ में मनोरंजन के लिए प्रश्नोत्तर शैली अपनाई गई है। शिक्षक वर्ग में प्रवेश करते हैं वर्ग का मतलब होता है कक्षा कक्षा वहां लिखा ना कक्षायाम का मतलब वर्ग। ठीक कक्षा में छात्र लोग जो बहुत जो छात्र बैठे हैं कक्षा में तो छात्र लोग आदर पूर्वक उठ करके उनका अभिवादन करते हैं खड़े होकर के उनका सम्मान करते हैं जब टीचर उनकी क्लास में आते हैं। तो यहां पर अब आगे चलेंगे हम लोग आगे उन्होंने क्या कहा है देखें यहां पर पहले नंबर का हमारा पैराग्राफ है और यहां से एक तरह से नाटक जैसा है कि ये हमारे पात्र हैं और ये उनका वर्णन है कौन से पात्र ने क्या कहा है तो यहां पर वो सारी चीजें यहां वर्णित की गई हैं। सबसे पहले अब शिक्षक क्लास में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो शिक्षक यहां से बोलते हैं उपविशन्तु सर्वे अद्य युष्माकं परिचयः संस्कृत शास्त्रैः भविष्यति। ठीक है ना आज यहां पर शिक्षक कहते हैं उपविशन्तु सर्वे सभी लोग बैठ जाओ। ठीक है ना सब लोग बैठ जाइए अद्य मतलब आज युष्माकं हमारे और तुम्हारे मतलब तुम्हारे परिचय में आज तुम लोगों को हम क्या करेंगे परिचय में संस्कृत शास्त्र से भविष्यति आज तुम्हारा जो परिचय है वो संस्कृत शास्त्रों से होगा किससे होगा संस्कृत शास्त्रों से होगा संस्कृत शास्त्र के बारे में आज हम परिचय कराएंगे आज उसके बारे में आज हम तुमको बताएंगे। ठीक तो यहां पर देखें शिक्षिका में प्रथमा विभक्ति का एक वचन उपविशन्तु
तू ताम अंतु, ठीक है ना। तो यहां पर भी बहुवचनांत लगा हुआ है उपविशंतु, उप उपसर्ग पूर्वक विश धातु से यहां झी प्रत्यय लग करके बना हुआ है उपविशंतु। सर्वे में प्रथमा का बहुवचनांत रूप लगा हुआ है और अद्य मतलब आय और युष्माकम षष्ठी विभक्ति का रूप लगा है युष्मद का। अस्मद में अस्माकम बनता है, युष्मद में युष्माकम बनता है, ध्यान रखिएगा। अस्माकम मतलब हमारे और युष्माकम मतलब तुम्हारे। परिचय बने तो आज तुम्हारे परिचय के लिए, आज परिचय माने तुम्हारे परिचय में आज हम संस्कृत शास्त्र के द्वारा, संस्कृत शास्त्र से, ठीक है ना, क्या करेंगे भविष्यति माने संस्कृत शास्त्र के बारे में आज हम तुम्हें परिचय कराएंगे। भविष्यति भविष्यता भविष्य लृट लकार भविष्य काल के रूप में, इसलिए होगा आज जो तुम्हारा आज तुम्हारा परिचय संस्कृत शास्त्र से होगा, ठीक। ये तृतीय का बहुवचन लगा है रामई जैसे शास्त्रई, ध्यान रखिएगा। तो तृतीय का बहुवचन मतलब शास्त्र से और भविष्यति माने होगा, आज संस्कृत शास्त्र से आप तुम्हारा परिचय होगा, ये उन्होंने कहा है। तो ये हमारा लृट लकार भविष्य काल का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है भविष्यति। इसके रूप चलेंगे भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, ऐसे रूप चलेंगे भविष्यसि भविष्यतः भविष्यत, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः, ध्यान रखिएगा। तब युवराज कहता, युवराज अब कोई बालक होगा, तब उस बालक ने खड़े होकर के पूछा युवराज, युवराज क्या बोलता है, गुरुदेव गुरुदेव शास्त्रम किम भवति, गुरुदेव अरे गुरुजी ये बतलाइए शास्त्र क्या होता है, शास्त्रम किम भवति शास्त्र क्या होता है, शास्त्र क्या है क्या होता है। अब यहां पर संबोधन लगा हुआ है, किसको संबोधित करते हुए कहता है, टीचर को शिक्षक को, तो गुरुदेव कह के संबोधित किया, गुरुदेव शास्त्र माने शास्त्र, किम माने क्या, भवति माने होता है, शास्त्र क्या होता है, शास्त्र के बारे में तो हम लोग जानते नहीं है। तो ये भी हमारा देखें लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है भू धातु से, और ये हमारा किम सर्वनाम रूप लगा हुआ है, क्या होता है, तब शिक्षक, तब शिक्षक जवाब देता है, उसका प्रत्युत्तर देता है। उत्तर देते हुए शिक्षक कहते हैं क्या, शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासकम अस्ति, शास्त्र का नाम ज्ञान का शासक है, शास्त्र हम उसे कहते हैं जो ज्ञान का शासक है, जिसमें ज्ञान भरा पड़ा है वही हमारा क्या कहलाता है, शास्त्र कहलाता है। मानवानाम कर्तव्यम अकर्तव्यम विषयान तत् शिक्षयति, मानवों के कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय को, जो कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय को जो ज्ञान करवाता है, जो जानकारी देता है, शिक्षित करता है, वही शास्त्र होता है। शास्त्रमेव अधुना अध्ययनम अध्ययन विषय कथ्यते, पाश्चात्य देशेषु अनुशासनम अपि अभिधीयते, उन्होंने कहा कि शास्त्र ही आज अध्ययन का विषय कहा जाता है, शास्त्र का ज्ञान ही आज अध्ययन का विषय कहा जाता है पाश्चात्य देशेषु, और जो हमारे पाश्चात्य देश हैं, प्राचीन देश हैं और अन्य देश हैं, वह देश कहीं कहीं पर इसको अनुशासन भी अभिधीयते माने अनुशासन के रूप में भी जानते हैं। तथापि शास्त्रस्य लक्षणस्य लक्षणम धर्म शास्त्रेषु इति इत्थं वर्तते, तथा वैसे ही शास्त्र को, शास्त्र के लक्षण को धर्म शास्त्र में भी प्रवर्तित करते हैं या जानते हैं, धर्मशास्त्र भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा और क्या बोले, इसीलिए कहा भी गया है क्या कि प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्यन कृते केन वा पुंसामेन उपदेशिष्येत तत्शास्त्रम अभिधीयते। देखे जरा, प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्यन कृत केन वा और पुंसाम एन उपदिश्येत तत्शास्त्रम अभिधीयते। उन्होंने कहा जो आसक्ति और विरक्ति, प्रतिर्वा मतलब आसक्ति और निर्तिर्वा मतलब विरक्ति, अर्थात जो आसक्ति और विरक्ति दोनों का नित्य ज्ञान कर लेता है, ऐसे पुरुषों को उपदेश को, और जो इनका ज्ञान कर लेता है इस उपदेश से, उसे हम शास्त्र का ज्ञान कहते हैं। इनसे परे हो जाता है जो जो आसक्ति और विरक्ति का मतलब होता है अपने और पराये से, प्रेम से व्यवहार से अलग हट करके जो ईश्वर के मिलन पर पहुंच जाता है, उसे शास्त्र का ज्ञान कहते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं, फिर चलते हैं।
शिक्षक शास्त्रम नाम ज्ञानस्य। देखें शास्त्र नाम का ज्ञान, षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, शासकम अस्ति शासक है, मानवा नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। क्या लगा है? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। कर्तव्य अकर्तव्य विषयान, अगर पूरे वाक्य पूरे शब्द को देखा जाए तो यहां द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है, जैसे रामान वैसे ही कर्तव्य अकर्तव्य विषयान, तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। लेकिन यहां पर कर्तव्य और अकर्तव्य लिखा है तो यहां पर आपका क्या है, वृद्धि वो दीर्घ संधि हो गई है। कैसे देखें, कर्तव्य प्लस अकर्तव्य विषयान, विषयान दिया हुआ है, तो यहां पर आपने आ ले लिया और यहां पर आपने आ ले लिया, दोनों को मिलाया और बड़ा आ बन गया, बन गया। और बड़ा आ मिल जाएगा तो आपका यहां पर बन जाएगा कर्तव्यों, बड़ा आ मिल जाएगा और वहां से आपका कर्तव्य विषयान, विषयान बन जाएगा, कर्तव्य अकर्तव्य विषयान बन जाएगा। तो यहां पर आपका ये दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक, ध्यान रखोगे, बन गया। अब यहां पर देखें वृद्धि संधि, आप वो यहां पर दीर्घ संधि हो गई, फिर तत सर्वनाम रूप है, शिक्षयति शिक्षयतः शिक्षयन्ति, ये लट लकार कर्मवाचक की क्रिया लग गई है, शास्त्रम प्लस एव बराबर शास्त्रमेव, अधुना माने इस समय, अध्ययनम अध्ययन विषय में प्रथमा, कथ्यते कथ्यति कथ्यन्ति, ये भी हमारी कर्मवाचक की कथ धातु लग गई है, पाश्चात्य देशेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा, पाश्चात्य देशेषु में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, और अनुशासनम अनुशासनम अनुशासन अपि माने भी, अविधीयते अभी उपसर्ग पूर्वक धी धातु हमारा जानने के अर्थ में हो जाएगा, अविधीयते तथापि में तथा प्लस अपि बराबर तथापि, तो यहां भी हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। शास्त्रस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन और धर्म शास्त्रेषु में सप्तमी का बहुवचन रूप लगा हुआ है, इत्यम वर्तते माने ये कहा गया है। प्रवृत्तिर्वा, तो यहां विसर्ग प्रवृत्ति ही प्लस वा, तो यहां विसर्ग संधि, और निवृत्तिर्वा, तो यहां भी विसर्ग संधि लगी हुई है। नित्यन में ध्यान रखिएगा तृतीय विभक्ति का एक वचन, और कृतकेन में भी तृतीय विभक्ति का एक वचन, वा माने और या अथवा। पुंसाम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, एन प्लस उपदिशेत, तो एनोपदिशेत सेत, तो यहां पर आपकी गुण संधि भी हो गई है और यहां विधिलिंग लकार भी हो गया है। ऐसे उपदेश बोले पुरुषों के लिए, पुरुषों के द्वारा ये उपदेश होने चाहिए, तत्शास्त्रम तत् प्लस शास्त्रम तत्शास्त्रम, यहां व्यंजन संधि हो गई है, अविधीयते, फिर यहां अभी उपसर्ग पूर्वक धी धातु लग गई। देखें अब उन्होंने क्या कहा है, एक बार फिर से आप अर्थ देखिए। शिक्षक, शिक्षक कहते हैं सभी लोग बैठ जाएं, आज आप लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्रों से होगा, ठीक। युवराज कहता है गुरुदेव शास्त्र क्या होता है, मैं तो नहीं जानता हूं शास्त्र क्या होता है। तब शिक्षक कहता है शास्त्र नाम ज्ञान का शासक है, शास्त्र जो नाम है वह क्या है, ज्ञान का शासक होता है, मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों की वह सीख देता है, मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसके बारे में जानकारी लेना है, क्या सही है क्या गलत है, शास्त्र हमें यह सिखाता है। शास्त्र से क्या परिचय होता है, शास्त्र हमें बताता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद हमारे मूल रूप से कर्तव्य क्या है उसकी जानकारी देता है, और अकर्तव्य विषयों की भी जानकारी देता है। शास्त्र ही आजकल अध्ययन विषय कहा जाता है, शास्त्र का ज्ञान ही, अब जैसे आज हम लोग ये विषय पढ़ रहे हैं, आज हम लोग अपने पाठ में पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं, ये शास्त्र के बारे में तो पढ़ रहे हैं, तो आजकल अध्ययन विषय भी कहा जाता है शास्त्र को। पश्चिमी देशों में, पाश्चात्य देशों में, जो हमारे पश्चिमी देशों में अनुशासन भी कहा जाता है किसको, शास्त्र को, पश्चिमी देशों को, पाश्चात्य, ठीक है, पाश्चात्य देशों में आज भी क्या है, शास्त्र को अनुशासन कहा जाता है। फिर बोले इसके बाद भी शास्त्र का लक्षण धर्म शास्त्रों में, इसके बाद भी आज शास्त्र का जो लक्षण है वो धर्म शास्त्रों में निहित है,
धर्म शास्त्रों में बताया जाता है। तुम जैसे बोले कहा है, बोले मनुष्यों को जिससे सांसारिक विषयों में अनुरक्ति तथा विरक्ति अथवा मानव रचित विषयों का उचित ज्ञान मिलता है उसे धर्म शास्त्र कहा जाता है। मतलब आसक्ति और विरक्ति की बात कर रहे हैं कि मानवों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा आजकल जैसे मान के चलिए गाड़ी बनती है, आपका गाड़ी पर मन आ गया है, यह आसक्ति है, ठीक है ना। विरक्ति क्या है, जो चीज आपको नहीं मिल रहा है आपने उसको छोड़ दिया है, वो विरक्ति हो गई। किसी चीज से दूर चले जाना, उसका मोह खत्म हो जाना, उससे प्रेम खत्म हो जाना, वो विरक्ति है। सारे संबंधों को तोड़ करके विरक्त हो जाना वो विरक्ति है, और सारे संबंधों से जुड़ जाना आसक्ति है। समझ रहे ना, जैसे साधु संत की बात करें हम, जैसे जो हमारे यहाँ महाकुंभ होता है तो नागा साधु संत आते हैं तो उनको विरक्ति होती है, उन्हें किसी चीज से मोह नहीं होता, उन्हें कपड़ों से भी मोह नहीं होता, अपने शरीर से मोह नहीं होता, वो क्या है, विरक्ति है। और जो सब कुछ चाहता है, गाड़ी घोड़ा बंगला ऐश और आराम, वो आसक्त है, वो आसक्ति की ओर जा रहा है, ठीक। तो मानव रचित विषयों का उचित ज्ञान मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम शास्त्र कहा जाता है, उसे हम शास्त्र कहते हैं, उसे शास्त्र कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि जिस शास्त्र से किस आचरण को अपनाया जाए, जिस शास्त्र से हमें यह ज्ञान मिलता है कि किस आचरण को अपनाया जाए तथा किस आचरण को त्यागा जाए का ज्ञान प्राप्त हो, उसे हम धर्मशास्त्र कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, धर्मशास्त्र कहते हैं। अर्थात हमें उस धर्म से, उस शास्त्र के ऊपर जाना चाहिए, बोले जिस शास्त्र के द्वारा हमें यह पता चले कि हमें किस चीज को अपनाना है, किस आचरण को अपनाना है और किस आचरण का हमें परित्याग करना है। तो अगर हमें इन सारी चीजों की जानकारी मिल जाए तो समझ लेना वही हमारा क्या है, धर्मशास्त्र। वही हमें धर्मशास्त्र के बारे में ज्ञान देता है, धर्मशास्त्र का दर्पण दिखाता है। आगे देखें, आगे फिर क्या कहते हैं, छात्र कहते हैं, अब अभिनव बोलता है। अभिनव क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। अभिनव कहता है कि अभिनव क्या कहता है, अर्थात शास्त्रम मानवेभ्यः कर्तव्यम अकर्तव्यम च बोधयति, शास्त्रम नित्यम भवतु वेद रूपम अथवा कृतकम भवतु ऋष्यादि प्रणीतम। अभिनव कहता है अर्थात शास्त्रम मानवेभ्यः कर्तव्यम अकर्तव्यम बोधयति, शास्त्र मानवों के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान कराता है। शास्त्र बोधयति माने जानकारी देना या ज्ञान कराना, शास्त्र क्या करता है, बोले मानवों के लिए, चतुर्थी लगी हुई है, मानवेभ्यः, ठीक, शास्त्र मानवों के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। कर्तव्य और अकर्तव्य का क्या कराता है, बोध कराता है। शास्त्रम नित्यम भवतु वेद रूपम, शास्त्र नित्य रूप से होता है वेद स्वरूप। क्या कह रहे हैं, नित्य स्वरूप होता है वेद स्वरूप, वेद के स्वरूप होता है शास्त्र, नित्य है जो वेद स्वरूप है, अथवा या फिर कृतकम भवतु ऋष्यादि प्रणीतम, या बनाया गया है ऋषि आदियों के द्वारा, या ऋषि आदियों के द्वारा बनाया गया है। या ये बताइए, शास्त्र नित्य होता है वेद के स्वरूप, या ऋषियों के द्वारा कृतकम माने कृत्रिम निर्माण किया गया है ऋषि आदि प्रणीतम, ऋषि आदियों के द्वारा, किसके द्वारा बनाया गया है, ये आप मुझे बतलाइए। तब देखें उन्होंने क्या है, पहले इसमें देखें अनुभव में क्या लगा, अभिनवाव में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। फिर देखें अर्थात शास्त्र मनोविद्या, इसमें चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है, ठीक। शास्त्रम में द्वितीय विभक्ति, शास्त्र को मानवों के लिए कर्तव्यम में द्वितीय विभक्ति, कर्तव्य और अकर्तव्य, चा माने और, देखें यहां चा है ना, चा माने और, ठीक, अकर्तव्य, बोधयति बोधयतः बोधयंती, बोधयति बोधयतः बोधयंती। तो यहां जानकारी के लिए लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, शास्त्र माने शास्त्र को, नित्य माने नित्य, भवतु भवताम भवंतु, ठीक, एक ये लट हमारा क्या है, एक वचन का रूप है प्रथम पुरुष का, वेद स्वरूपम अथवा कृतकम भवतु, यहां पर भी एक वचन, ऋषि आदि, ऋषि आदि, तो यहां यण संधि हो गई है, प्रणीतम माने प्रणीत किया गया, ठीक। आगे देखें तब शिक्षक कहता है, तब उन्होंने कहा है कि यह बतला दीजिए कि ऋषि आदियों के द्वारा शास्त्र बनाया गया है या वेद स्वरूप है। तब शिक्षक कहता है सम्यक जानासि वत्स, तुम सही जानते हो
पुत्र या वत्स या शिष्य। कृतकम शास्त्रम ऋषिया अन्य विद्वांसा व रचित बनता, जो ये बनाए हुए शास्त्र हैं, इन शास्त्रों को ऋषिया माने ऋषियों के द्वारा, अन्य माने और अन्य, विद्वांसा माने विद्वानों के द्वारा रचित बनता माने रचित किए गए। सर्वप्रथमम षड वेदांगी शास्त्राणी संति, बोले सर्वप्रथम सबसे पहले छह वेदांग थे, वेदों के छह अंग शास्त्राणी संति, यही छह वेदों के अंग शास्त्र थे, शास्त्र है, यही शास्त्र है। बोले तानी, बोले जिसमें शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तम छंद ज्योतिष च इति, बोले जो छह हमारे वेदों के अंग हैं, षड वेदांग उनको कहा गया है, तो उसमें सबसे पहले शिक्षा है, फिर कल्प है, फिर व्याकरण है, फिर निरुक्त है, फिर इसके बाद छंद है, फिर ज्योतिष है। बोले ये वर्णित, तो कल्प व्याकरणम निरुक्तम छंद ज्योतिषम चेति। अब देखें यहां पर भी देख ले, सम्यक माने सही रूप ठीक प्रकार से, जानासी ये मध्यम पुरुष का एक वचन रूप लगा हुआ है, वत्स संबोधन लगा हुआ है, कृतकम शास्त्रम में द्वितीय व्यक्ति, ऋषिया में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप, ऋषि 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 ऋषिया, हरि हरि हरया, ऐसे बनेगा। प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत रूप है। अन्य में सप्तमी विभक्ति, विद्वांसा में विद्वान, अन्य विद्वानों के द्वारा, तो यह भी हमारा क्या विद्वस शब्द से बनेगा, तो यह हमारा बहुवचनांत रूप है। वा माने अथवा, रचित बनता में प्रथमा का बहुवचनांत रूप है। सर्वप्रथम षट वेदांगानी, तो वेदम वेदांगम, वेद प्लस अंगम बराबर वेदांगम, तो यह हमारा दीर्घ संधि भी है और वेदांगानी में प्रथमा का बहुवचनांत पद भी लगा है। शास्त्राणी में भी शास्त्रम शास्त्री शास्त्राणी, प्रथमा का बहुवचन रूप लगा है। अस्ति स्तः संति, तो यहां पर भी हमारा क्या लगा हुआ है, बहुवचनांत। तानी तत्ते तानी, यह भी बहुवचनांत रूप है। और शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तम छंद ज्योतिषम चा इति, यहां गुण संधि हो गई। बोले वेदों के छह अंग हैं जिन्हें हम कृत्रिम शास्त्र ऋषियों के द्वारा रचित बनता, तब इमरान, तब इमरान क्या कहता है, इमरान गुरुदेव, संबोधन उसने किया, गुरुदेव एतेषां विषयाणां के प्रणेतर अवतारः, एतेषां इन विषयों का या इन विषयों की कौन कौन प्रणेता है, कौन कौन प्रणेता है, जो ये आपने बताए हैं शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष, इनके कौन कौन प्रणेता है, किसने इनको दिया, इमरान कहता है, पूछता है। तो प्रश्न जब शिष्य ने पूछा है तो निश्चित है कि गुरु तो अब देगा आंसर, क्यों आप लोग पूछोगे कि तो मैं नहीं दूंगा क्या, दूंगा, आप पूछिए, तो आप पूछते ही नहीं है, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको जवाब दूंगा। अर्थ देखिएगा, अर्थ में उन्होंने क्या कहा है, अभिनव, तब अभिनव कहता है, अभिनव क्या कहता है, अर्थात शास्त्र मानवों के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, शास्त्र मानवों के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, वेद शास्त्र नित्य होता है, वेद शास्त्र नित्य होता है, अथवा ऋषियों द्वारा रचित शास्त्र कृत्रिम होता है, ऋषियों द्वारा जो रचित शास्त्र है वो क्या होता है, कृत्रिम होता है, मतलब बनाया हुआ होता है। तब शिक्षक कहता है, सही जाने वत्स, तुम सही जान रहे हो, कृत्रिम शास्त्र ऋषियों या अन्य विद्वानों से रचा गया है, जो बनाया गया शास्त्र है वह ऋषियों या अन्य विद्वानों के द्वारा रचा गया है। सर्वप्रथम वेद के अंग स्वरूप छह शास्त्र हैं, वेद के अंग स्वरूप छह शास्त्र हैं, जिसमें शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष है, ज्योतिष है। तब इमरान कहता है कि गुरुदेव, अरे गुरुदेव इन विषयों के कौन कौन रचयिता है, इन विषयों के कौन कौन प्रणेता है, इनकी जानकारी, इनके आखिर इन्होंने कैसे बनाया है, किसके बारे में ये है, तो इन विषयों के आप हमें क्या बतला, जानकारी दें, इनके प्रणेता कौन कौन है। आपको ये बता दूं, ये वेदों के जो छह अंग हैं, इसमें आज भी हम लोग मुखम स्मृतम व्याकरणम, व्याकरण सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि वेद रूपी पुरुष का मुख है कौन, व्याकरण, और फिर इसके बाद मुख माना गया है व्याकरण को, छंदा पादौ तु वेदस्य,
और छंदों को पैर माना गया सबसे मुख्य। इसके बाद तो सारी चीजें हैं, ज्योतिष भी है, शिक्षा भी है, निरुक्त भी है, कल्प भी है, सब कुछ है। लेकिन मनुष्य के लिए अगर उसको ज्ञान चाहिए तो सबसे पहले व्याकरण और छंद दोनों चीजों का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण। इसलिए मुखम स्मृतम व्याकरणम, मुख के रूप में व्याकरण को माना गया है, छंदापादौ तु वेदस्य, और छंद को पैर माना गया। जिस प्रकार से हम बिना पैरों के कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार से बिना छंदों के हम किसी चीज का ज्ञान नहीं ले सकते, मात्राओं का ज्ञान नहीं ले सकते। क्योंकि पिंगल शास्त्र कहा गया है, छंद शास्त्र के रचयिता पिंगल शास्त्र, और व्याकरण के मूर्धन्य रचयिता कौन है? पाणिनी। और जिसकी आज हम शिक्षा पद्धति को पढ़ रहे हैं, कौन? पाणिनीय शिक्षा पद्धति। उन्हीं की शिक्षा पद्धति के आधार पर आज हम चल रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। इसके आगे क्या संवाद हो रहा है उस पर चर्चा करते हैं। चलिए, ये हमारा भाग यहीं तक रहेगा, अगला भाग हम बहुत जल्द लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बता दूं मैं कि बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है, शास्त्र के बारे में हम अच्छे से जानकारी ले लेंगे। शास्त्रों के बारे में जानकारी हम दे रहे हैं और भी देंगे बहुत सारी, इसका दूसरा भाग लेकर के बहुत जल्द आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी माध्यम से हो, आप किस माध्यम से हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं कि आप किस मीडियम से, हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम, तो फिर उस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, जितने हमारे ये स्टेट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं और यहाँ के द्वारा जो जितने भी कोर्स आपको चलाए जाते हैं, वो भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स ही है। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर संपूर्ण कोर्स के साथ आप लोगों को 100% फ्री एजुकेशन कराई जाती है। 100% फ्री का मतलब ही है निःशुल्क शिक्षा, आप लोगों से कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी रुपया पैसा लेने का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि अगर आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आ गया तो हम लोगों को सब कुछ मिल गया। ध्यान रखिएगा, और मैं आपको बता दूं कि यहां आपको बिल्कुल भी भ्रम में नहीं डाला जाता, क्योंकि एक टैग आप देख रहे होंगे और किसी व्यक्ति की पहचान उसी से होती है जो उसकी एक क्या है, एक मान सम्मान होता है। तो हाई क्वालिटी एजुकेशन का ये जो टैग लगा हुआ है, जो आप लोग ये देख रहे हैं स्टिकर, ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि यहां पर हमेशा उच्च क्वालिटी की शिक्षा का मतलब ही आपको मैं बता दूं, उच्च गुणवत्ता के साथ योग्य शिक्षकों के द्वारा आपको यहां शिक्षा दी जाती है। तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी आपको भ्रम में नहीं जीना, आप लोगों को बस पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना, और जब आपका परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, तो आप खुद इस बात को एहसास करोगे। ध्यान रखिएगा, और मैं आपको एक और बात बता दूं, और अच्छे अंक लाने के लिए बिल्कुल भी देर नहीं करना है। नीचे आपको मेरे हाथ के समान देखते जाना है, ये लिखा है लिंक इन डिस्क्रिप्शन, मतलब इस आपको लिंक पर जाना है, तो यहां पर ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से आपको बेस्ट क्वालिटी के संपूर्ण कोर्स के साथ, कोई भी आप किसी भी माध्यम से हो, संपूर्ण कोर्स के साथ आपको यहां से नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, और नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे, फिर क्लास को आप पढ़ेंगे तो क्या आनंद आएगा, इसकी अनुभूति आप स्वयं करेंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी आपको विलंब नहीं करना, बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, नोट्स भी यहां से आप प्राप्त करिएगा, और अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको एक बात और कहूंगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।